हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सीमा फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। बना रही हूँ मैं आज बैंगन सॉरी कॉलीफ्लावर और आलू की सब्जी, और दाल मेरा बन गया है। दाल चावल रोटी हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा पीछे से रह गया था। एक्चुअली एक सब्जी रखी थी मैंने, अभी इसको बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ वो चल रहा था, तो मैंने बना देती हूँ। तो कॉलीफ्लावर कभी मैं बॉईल भी कर लेती हूँ उसको, कि कीड़े वीड़े होते हैं तो नहीं। ये अच्छा फ्रेश था, इसमें कीड़े वीड़े नहीं दिख रहे थे, तो ऐसा ही मैं काट के कच्चा बना रही हूँ। नहीं तो कभी कभी मैं बॉईल करके फिर उसको ग्रेवी मसाला बना के बनाती हूँ। आज नहीं बनाना, आज थोड़ा जल्दी भी है, तो गोभी आलू की सब्जी बन जाएगी। और दाल बन गई है, दाल तो हमारे घर में रोज लगता है, एक सब्जी एक दाल इतना तो रहता ही है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है तो इतना। तो बस इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे। वैसे तो हम क्या करते हैं, अदरक लहसुन सब मसाले पीस के, हल्दी मिर्ची नमक सब पीस लेते हैं एक साथ मिक्सर में, फिर हम उसका ग्रेवी बना के फिर बनाते हैं। तो आज नहीं बनाएंगे, आज हम ऐसे ही बना लेंगे। तो अभी हम इसमें नमक डाल देंगे। और क्या है ना, पहले थोड़ा सा गोभी और आलू फ्राई कर लो, तो वो फिर मसाले डालो, तब तक वो आधा पक जाता है। और क्या हो गया ना, 2-3 दिन से ना मेरा नेट भी बंद था, और क्योंकि ये 3-4 दिन बहुत बारिश हो गई, बहुत बिजली तड़क तड़क के ना, तो मेरा ना उसका वाईफाई ख़राब हो गया। तो ये देखो, मैं काम करके गई थी, दिन में मैं रहती नहीं, तो बच्चे कैसा करके रखे घर। अभी ये आके मुझे सब साफ करना है। देखो ना, पूरा किचन साफ करके गई थी। ये अपना खाना आना खाए और छोड़ दिया ऐसे ही। ये इतना नहीं कर पाते, नीचे का झाड़ू पोछा कर लेंगे, प्लेटफॉर्म साफ नहीं करते। तो चलो पहले हम ये कर लेते हैं साफ। और चक्कर क्या हो गया ना, मैं आपको बताती हूँ कि 2-3 दिन से थोड़ा सेट भी हूँ कि हमारे जो ताऊजी मतलब मेरे पापा के बड़े भाई, वो भी ख़त्म हो गए। तो थोड़ा टेंशन भी था कि अभी देखो 1 साल में दूसरी भी, वो भी अपने ही चले गए। और थोड़ा नेट भी बंद था, तो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। बड़े वीडियो नहीं थे, छोटे वीडियो डाल दे रही थी 1 मिनट का, तो उतना नेट रहता है फ़ोन में, उससे हो जाते हैं। और ये बड़े वीडियो को क्या है ना, वाईफाई लगता है, तो मेरा प्लेटफॉर्म साफ हो गया है। ये मैं लाई थी आलू और प्याज, बाहर बिक रहे थे तो वो ले लिए थे, क्योंकि यहाँ 3 दिन ना काफ़ी बारिश हुई है, तो अभी हम झाड़ू वाड़ू कर लेंगे। ये मेरा दोपहर का ही है, तो आज मुझे ना फ्रिज साफ़ करनी है, कि फ्रिज मेरा ना काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए। आई थी उसके बाद ही एक बार दो बार सा एक बार साफ़ की थी पूरा, एक बार ऊपर से साफ़ की थी। हाँ, तो सोचिए थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा आगे काम भी है, तो थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। ये निकाल ही निकल नहीं रहा है, तो इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा गर्म पानी डाला है और साबुन, थोड़ा सा नींबू डाल दिया है, नींबू निचोड़ दिया, तो जो पीला पीला है ना वो निकल जाएगा। क्या होता है ना, जब कोई अपना जाता है ना, तो पहले से 1 साल का दुख अभी तक भूला ही नहीं है, वो तो खैर ज़िंदगी भर नहीं कभी भूल पाऊँगी। तब तक ये दूसरा भी हो गया, अभी मैं पहुँच भी नहीं पाई, कैसे जाऊँ, कुछ नहीं समझ में आता है। वे बीमारी थे, तो बीमार थे, और क्या है, अभी उनकी उम्र भी हो गई थी, कि उम्र भी हो गई थी, तो
काफ़ी दिन से बीमार भी थे वो, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। एक्चुअली उनसे ना मेरे दो रिश्ते हैं, एक मेरे ताऊ जी भी हैं वो, और दूसरे वो मेरे मौसा भी लगते हैं। तो ना थोड़ा दिमाग सेट था कि अपना ही दुख नहीं भूल पा रही हूँ मैं, सबके सामने दिखती हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, नहीं वो चीज़ें भूल नहीं पाती हूँ। कितना भी भुलाने की कोशिश करती हूँ, उस दिन डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर मतलब पहचान के नहीं थे, मैं जिस डॉक्टर को दिखाती उसके पास नहीं गई थी, दूसरे का, एक ने बोला था कि आप वहाँ दिखा लो, तो डॉक्टर भी काफ़ी देर ऐसा ही पूछने लगा, छोटा वाला था साथ में, तो बोला जो हो गया सो हो गया, उसको भूलिए। तो चीज़ें ना कभी कभी ऐसी हो जाती है ना, दिमाग से निकलती नहीं है, कितना भी आप वो भुलाने की कोशिश करो उस चीज़ को, नहीं भुला पाते हैं। शायद कभी नहीं भूलेगी जिंदगी में। हाँ, ऊपर का फ्रिज ना मेरा पूरा भरा है, मैंने ऊपर का नहीं निकाला है, उसमें क्या है ना कि थोड़ा 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 करके मैं क्या सोच रही हूँ, एक डब्बा लाऊँ, डब्बा मतलब बकेट टाइप होता है ना, उसमें जो थोड़ी सी ऐसी, अभी मैं क्या करती हूँ बेसन वगैरह ये सब मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि जहाँ से लाते हैं वो उसमें रहता है, फिर इतना जल्दी ख़त्म हो नहीं पाता है, तो फिर उसको मैं उधर ही रख लेती हूँ, जब अपना मन करे तब कर लो। तो ये साबुन से तो साफ़ हो गई, अभी थोड़ा एक बार पानी से धो देंगे ना तो बस निकल जाएगा, फिर सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। क्या होता है ना जब हम महीने में एक बार साफ़ कर लेते तो इतना नहीं होता, फ्रिज हमारी काफ़ी पुरानी हो गई है, काफ़ी पुरानी, 12-13 साल हो गए। भी क्या है कि हाथ है ना बच्चे ज़्यादा कुछ है ये नहीं, गिराते रहते नहीं है उसमें, तो नहीं, फिर भी बारिश का टाइम था, और एक चीज़ और थी ना इसमें, उस दिन बच्चों ने ना अपना कुछ खाने का रख दिया था नॉन वेज का, तो मैं बोली आज मैं इसको साफ ही कर दी, मैं रखने नहीं देती हूँ, ले रख दिया था उन्होंने, तो इसको साफ कर देती, थोड़ा काम भी है आगे, तो साफ सफाई घर की करनी पड़ेगी मुझे। तो सोच रही हूँ अभी गाँव जाने का तो मुझे टाइम भी नहीं है, और इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छोटे का कॉलेज है बड़े का है, कहाँ छोड़ूँ बच्चों को अकेला, समझ में नहीं आ रही है। ये निकले ही नहीं, एक दो निकल गए, ऊपर के निकल गए, नीचे के बीच के निकले नहीं, फिर मैंने छोड़ दिए, लड़का बोला छोड़ दो मम्मी नहीं तो टूट जाएंगे, वैसा ही छोड़ दिए, फिर देखेंगे कभी किसी दिन निकालेंगे, यही बैठ के इनको साफ कर देती हूँ, बाथरूम में नहीं ले जाती हूँ मैं, हल्का सा साबुन लगा के और यहीं साफ कर देती हूँ, क्योंकि बाहर वो अपना बैठे हैं दोनों, तो वहाँ भी नहीं कर सकती हूँ, बाथरूम में ले जाओ तो फिर सब गीले हो जाओगे उधर, तो यहीं बैठ के मैं पहुँच लूँगी, और थोड़ा सा पंखे की हवा में रख के सुखा देंगे, थोड़ा देर फ्रिज खुला छोड़ देंगे, क्योंकि अभी बंद किए हैं तो सूख जाएगा, फिर बंद करेंगे। तो चलो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही है, वीडियो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, याद रखना, हिम्मत देना, और क्या बोलूँ आप लोग को, आप लोग मेरा बहुत